हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो है हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है उनके बारे में बताया है। द एग्जिस्टेंस प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन इज द डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज वी हैव बीन फुलफिलिंग आवर नीड्स बाय द गेटिंग देम फ्रॉम द नेचर सिंस अर्ली टाइम्स वेयर इन द फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अ जनरल मीनिंग ऑफ अ फॉरेस्ट इज द एक्युमुलेशन ऑफ द ट्रीज शब्स एंड द हर्ब्स ऑफ द ग्रास द नेचुरल वेजिटेशन ओनली दैट द वेजिटेशन इज इंक्लूडेड विच कैन बी रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ द मैन दिस इज द कॉल्ड द वर्गन वेजिटेशन। नाउ सच अ वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल इन हिमालयस सुंदरवन एंड द रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ह्यूमंस का जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट जो है, वह सब जो है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें हमें यहाँ पे बताया है कि एंशियंट टाइम से ही जो है हम यहाँ पे फॉरेस्ट से जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो है ट्रीज यहाँ पे बताया है कि ट्रीज सर्व्स ऑफ द हिप्स एंड द ग्रास। इसका जो जनरली मीनिंग होता है वह मीनिंग होता है फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ ऐसी जो वनस्पति होती है जो कि जो ह्यूमंस की हेल्प के बिना जो है अपने आप ग्रो होती है, उसे जो है यहाँ पे वर्जन वेजिटेशंस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे वेजिटेशंस जो है जो कि हमें हिमालय सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ द थार डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे। तो बताया है टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशंस के बेस पर अगर उसका फॉरेस्ट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करें तो वह किस तरह से होगा। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड द अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो रिजर्व प्रोटेक्ट फॉरेस्ट यानी कि सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। हियर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द लंबरिंग एंड द कलेक्शन ऑफ द वुड्स ऑफ और फॉर द पर्स्यूरिंग। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल रहता है कि यहाँ पे जो है सब तरह से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे पशुओं को चारा वगैरह चराने के लिए नहीं लिया जाता, या फिर वुड्स वगैरह जो है कलेक्शन के लिए यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती, जिसे जो है रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद बताया कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल पीपल आर द परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड द ग्रेस देयर एनिमल्स विदाउट द कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रेस। तो यहाँ पे हमें बताया यह जो है यहाँ पे लोकल पब्लिक के जो है उनके या जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है इस फॉरेस्ट पर कंट्रोल होता है। लोकल पब्लिक जो है यहाँ पे जाने के लिए उन्हें परमिशन होती है, यहाँ से वे लोग जो है इस फॉरेस्ट में से वुड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी एनिमल्स को जो है यहाँ पे वे लोग जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उसके बाद है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट द क्लासिफाइड, देयर इज द नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्री फेलिंग और द एनिमल गेजिंग। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस टाइप के जो यहाँ पे फॉरेस्ट है इन्हें जो है क्लासिफाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे स्टेट फॉरेस्ट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो फॉरेस्ट है जिन पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करते हैं, उसे जो है हम स्टेट फॉरेस्ट में जो है इस कैटेगरी में उसे हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया है कि कम्युनल यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत वगैरह जो है उन लोगों का यहाँ पे जो है इस फॉरेस्ट पर यहाँ पे कंट्रोल रहता है। उसके बाद बताया है कि प्राइवेट फॉरेस्ट, सच अ फॉरेस्ट इज ओन बाय द इंडिविजुअल, सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन द ओडिशा एंड द मेघालय, पंजाब एंड द हिमाचल प्रदेश। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन द ऑब्जर्व एंड द कंडीशंस और द सम ऑफ आर टोटली बर्न। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस टाइप के जो यहाँ पे प्राइवेट फॉरेस्ट है, इसमें जो है व्यक्ति का किसी भी पर्सनल जो है ऑन इंडिविजुअल्स इस पर जो होता है। एंड उसके बाद बताया कि इस टाइप के कुछ जो है हमें फॉरेस्ट जैसे कि ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश वगैरह में देखने को मिलते हैं। एंड इस टाइप के जो प्राइवेट फॉरेस्ट है वे जो है या तो पूरी तरह से जो है बिगड़ चुके हैं, या तो जो है पूरी तरह से ख़राब होने की स्थिति में आ चुके हैं। उसके बाद हमें बताया है कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट।
This is not a problem of our country alone, but is one of the global problem. It can be that is the result of the progress of man. The trees are destroyed naturally. However, it is negligible and the compared to the loss inflicted by the human interference. तो यहाँ पे हमें deforestation का मतलब बताया है कि deforestation meaning जो है forest जो है उनका destruction होना, और यह जो problem है यह केवल हमारे country की नहीं बल्कि यह global problem है, सभी countries की यह problem है कि वहाँ पे deforestation हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़े, जैसे जैसे ह्यूमंस प्रोग्रेस हुआ, उनकी लाइफ में जो है डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे जो ट्रीज वगैरह जो है फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय हुए, जिसकी वजह से यह कंडीशन हुई। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या इम्पैक्ट हुए? द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज अ वाइड स्प्रेड। द क्वान्टिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमोसफियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस with the remote forest and the cover the soil is eroded and the problem of the farm fertility decrease in the of the peninsula and India the forest has the decreased largely due to the deforestation. Many living organisms have the lost their habitats and the as the results of the wild animal the approach urban settlement in search of a food and the water. More intense is the recorded of the carnivorous animals killing the domestic animals of the those first who live near the forest. यहाँ पे हमें इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में बताया है कि यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हुआ यह जो है वाइड स्प्रेड हुआ, इसकी वजह से जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वह यहाँ पे इंक्रीज हुई एटमॉस्फेयर में, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह ज़्यादा जो यहाँ पे इंटेंस हुआ। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि ज़मीन जो होती है उसकी जो क्षमता वगैरह घटती है, उपजाऊपन जो है फर्टिलिटी जो है ज़मीन की वह डिक्रीज होती है। उसके बाद में इस तरह से जो है काफ़ी सारे यहाँ पे नुकसान हुआ, एंड वाइल्ड एनिमल जो है जो कि खाने की ईटिंग वगैरह की खोज में जो है फूड एंड वाटर की रिसर्च में जो है वे लोग यहाँ पे जो है अर्बन एरियाज में पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पे बताया है कि कार्निवर्स एनिमल्स जो है वे उनके आजू बाजू रहने वाले जो डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो है उन्हें शेपर्स करते हैं, उन पर जो है यहाँ पे हमला करते हैं। तो इस तरह से जो है फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर जो है कि बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आजू बाजू के विस्तार में रहने वाले जो जानवर है उनको नुकसान होता है। नेक्स्ट है रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे जो है हम रेमेडीज जो है वह कंजर्वेशन के लिए जानेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया कि रिसर्च शुड बी कैरियड आउट ऑफ फाइन टू द ऑप्शंस ऑफ अ वुड। तो यहाँ पे हमें बताया कि हम जहाँ पे वुड का यहाँ पे जो यूज़ करते हैं उसके प्लेस पे हमें जो ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढना है कि उसके बदले हम किसी और को जो है उस वुड के प्लेस पे यूज़ कर सके। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि दोज इंडस्ट्रीज विच इज़ द रिसीव टू द रॉ मटेरियल टू द फॉरेस्ट कंपेयर हु इज़ अंडर द नेम ऑफ द इको टूरिज्म। तो यहाँ पे हमें बताया कि इको टूरिज्म के नाम पर जो लोग यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह चलाते हैं उनसे जो है यहाँ पे इको टूरिज्म नाम की फैसिलिटी करवानी, एंड यहाँ पे सोसाइटी वगैरह जो है पेड़ों को वगैरह उनके पास लगवाने चाहिए। उसके बाद हमें बताया है कि वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी द ऑर्गेनाइज अमंग द लोकल पीपल्स। के लोगों में जो है इसके लिए अवेयरनेस आई कि फॉरेस्ट को जो है किसी तरह से नुकसान ना हो, उसके लिए जो है लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ द स्कूल एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्कूल एंड कॉलेज जो है वहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज के यहाँ पे सिलेबस में जो है यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो टॉपिक वगैरह है जो वह जो है स्कूल एंड कॉलेज के सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वह उन चीज़ों से अवेयर हो। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड द एग्रो फॉरेस्ट्री को जो यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पॉइंट बताया कि फायरवुड अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ द लाइक सोलर एनर्जी नेचुरल गैस वगैरह जो है इनका यूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे हमें बताया है ब्लास्ट की यहाँ पे जो है फॉरेस्ट में जो फायर लग जाती है उसकी जगह उस टाइम पे जो है हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, एंड वहाँ पे आजू बाजू में जो है उन्हें लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वहाँ पे होते हैं लोग उन्हें हमें यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद में बताया कि ट्रांसपोर्ट एंड ईजी ट्रैवल था वो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कई सारे हमें अदर रिसोर्सेज भी यूज़ करने चाहिए। एंड यहाँ पे हमें लास्ट में बताया कि एरिया शुड बी द डेमोक्रेटेड एंड द रिजर्व फॉर द एनिमल पेस्टर। तो यहाँ पे जो पशुओं को चराने के लिए वगैरह होती है वह अलग अलग जगह रखनी चाहिए।